5 फरवरी से कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाएं प्रारंभ हो गई हैं। जहां छात्र पढ़ाई में लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ शादियों का सीजन चल रहा है। ऐसे में मोहन सरकार ने 13 दिसंबर 2023 को मध्य प्रदेश में नया कोलाहल नियंत्रण अधिनियम लागू किया था, जिसके तहत निर्धारित मापदंडों के अनुसार ही ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाने के आदेश दिए गए थे। वहीं अब 31 दिसंबर तक इस नए अधिनियम की जानकारी सभी संबंधितों को देना तय किया गया था, लेकिन प्रशासन ने बैठकों के साथ ही अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली। इसके बाद इस मुद्दे पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। वहीं शोर के कारण पढ़ाई प्रभावित हो रही है। सिरोन से संवाददाता रिंकू सुमन की रिपोर्ट। यद्यपि शासन से जो निर्देश प्राप्त हुए थे हमें, तो उसके तहत हमने कार्रवाइयाँ भी की हैं और डीजे संचालकों को, मैरिज गार्डन संचालकों को हिदायत भी दी है। अब क्योंकि 5 तारीख से बच्चों के एग्ज़ाम चालू हो गए, तो इसमें हम विशेष रूप से और ध्यान देंगे। आज पुनः हमने TI को निर्देशित किया है कि एक बार फिर से सभी की बैठक बुलाएं, मैरिज गार्डन वालों की और DJ संचालकों की, उनको दोबारा निर्देशित किया जाएगा और इसके बाद भी अगर कोई शिकायत प्राप्त होती है तो तत्काल उसमें कार्रवाई की जाएगी। जो रात को DJ होते हैं, शादी होती है, उनमें हमें प्रॉब्लम होती है तो हम पढ़ नहीं पाते ढंग से, क्वेश्चन आंसर भी याद नहीं कर पाते। ये DJ चलते हैं ना इनसे, तो इनको कम करने को मतलब